Good morning, my dear students. How are you all? Good, na? In previous class, we have learned about the living room. Homes के बारे में पढ़े थे. Different kinds of home, जो जंगल में होता है, फिर शहरों में होता है, विलेज में होता है. Next is the rooms. तो लिविंग रूम के बारे में पढ़े थे. What is there in the living room? TV, clock, ये सब है. Today we will learn about किचन. किचन इज ए इम्पॉर्टेंट रूम इन आवर हाउस. हमारे घर पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर रसोई होता है. हैव यू बीन टू योर किचन? व्हाट डू यू फाइंड देयर? वहाँ पर क्या देखते हो? गैस स्टोव, सिलेंडर, हाँ बहुत सारी चीज़ें. तो चलो अभी देखते हैं. यू फाइंड सिंक. सिंक होता है, टैप होता है, रेफ्रिजरेटर भी होता है किचन में किसी किसी के. हाँ माइक्रोवेव. डू यू हैव माइक्रोवेव? हाँ गैस स्टोव, ये सब के घर में होता है गैस स्टोव. देन कैटल, टी चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए प्लेट, ये तो होता ही है सबके घर में. सो चिमनी, चिमनी होता है. नेक्स्ट लाइट, लाइट नहीं होगा तो अंधेरा दिखेगा सब, लाइट होता है. कैबिनेट, नीचे जो देख रहे हो दे आर ऑल कैबिनेट्स. टोस्टर होता है, टू टोस्ट द ब्रेड, ब्रेड टोस्ट करने के लिए. और ऊपर जो सब है दोज आर कप बोर्ड्स. वहाँ पर हम चीनी रखते हैं, आटा रखते हैं, कप बोर्ड्स. आटा नीचे रहता है, आटा चावल, हाँ कप बोर्ड्स में छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं. सो कम टू पेज नंबर 51 पे आओगे. प्रैक्टिस पेपर, पुट द डेट. टुडेज डेट इज 1/7/2021 एंड डे इज थर्सडे. THURSDAY, थर्सडे. लुक एट द पिक्चर्स, क्रॉस द थिंग्स यू डू नॉट सी इन द किचन. जो चीज़ें किचन पे दिखाई नहीं देता उसे क्रॉस करोगे. डू यू फाइंड टॉयलेट इन किचन? नो. रेफ्रिजरेटर होता है, सिंक होता है, गैस स्टोव होता है, माइक्रोवेव होता है, बट बेड नहीं होता. सो क्रॉस इट. माइक्रोवेव होता है, क्रॉस करोगे. ओनली यू हैव टू क्रॉस देयर. आइडेंटिफाई ईच पिक्चर एंड राइट इट्स नेम. नेम लिखना है आपको. सो दिस इज ए गैस स्टोव. वॉट यू हैव टू राइट? जी, कैपिटल लेटर जी, ए एस गैस स्टोव, एस टी ओ वी ई गैस स्टोव, एस टी ओ वी ई गैस स्टोव आपको लिखना है. ओके, नाउ सी रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर आर ई, कैपिटल लेटर आर ई एफ रेफ, आर आई री रेफरी, एफ आर आई रेफरी, जी ई जी रेफ्रिज, आर ए रे टी ओ आर रेफ्रिजरेटर. ऐसे पढ़ना है आपको रेफ्रिजरेटर. देन सिंक, एस कैपिटल लेटर एस आई एन के सिंक. प्लेट, दिस इज प्लेट, पी एल ए टी ई प्लेट, पी एल ए टी ई प्लेट. देन कैटल, कैटल लिखना है, कैपिटल लेटर के ई टी टी एल ई कैटल. देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कैपिटल लेटर एम आई सी आर ओ माइक्रो डब्ल्यू ए वी ई माइक्रोवेव. माइक्रोवेव यू हैव टू राइट. सो दिस इज पेज नंबर 51. यू हैव टू राइट दिस. कम टू आवर नोटबुक वर्क. पुट द डेट 1/7/2021 थर्सडे, थिंग्स इन ए किचन. सो वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट द नेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर. आपको बुक रीडिंग भी करना है. सो नंबर 1, टैप. टैप किचन में होता है.
जब सिंक होता है जहाँ पे दैट देयर वी हैव आवर टैप टी टैप सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टैप टैप का पिक्चर बनाओ वन स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन ये सब करके यू हैव टू ड्रॉ टैप ट्रैप करके उसके ऊपर एक नॉब दोगे ओपन और क्लोज करने के लिए एंड वाटर इज कमिंग आउट नंबर टू इज बी बी ओ डब्ल्यू एल बोल बोल बी ओ डब्ल्यू एल बोल बी ओ डब्ल्यू एल सी हाउ आई एम मेकिंग बड़ा सा यू लिख दो राइट यू हाँ और ऊपर एक लाइन दे दो नीचे थोड़ा सा छोटा यू आप चाहो तो और एक हाफ सर्कल यहाँ पर बना सकते हो दिस इज आवर बोल नंबर थ्री इज प्लेट पी एल ए टी ई प्लेट पी एल ए टी ई प्लेट एक ओवल बनाएंगे सी हमने बोल के लिए यू लिखा था हाँ बड़ा सा नाउ मेक ए ओवल ओवल बनाओ उसके अंदर और एक ओवल बनाओ देन छोटा सा नीचे बेस हो गया प्लेट डू इट प्रॉपरली हाँ फोर नंबर टॉवल टी ओ डब्ल्यू ई एल टॉवल टॉवल बनाएंगे सो टी ओ डब्ल्यू ई एल सो कैसे करेंगे टू स्टैंडिंग लाइन्स थोड़ा सा स्लेंट करके हाँ स्टैंडिंग लाइन्स देखो नीचे कर्व्स कर्व्स बना दो एंड ऊपर टू लाइन्स वन लाइन और एक टू लाइन नीचे भी वन लाइन एंड टू लाइन दिस इज आवर टॉवल फिनिश किचन में टॉवल यूज होता है हैंड वाइप करने के लिए फाइव नंबर गैस स्टोव बहुत इजी है यू राइट द स्पेलिंग जी ए एस गैस गैस एस टी ओ वी ई स्टोव एस टी ओ वी ई स्टोव गैस स्टोव कैसे बनाएंगे मेक ए रेक्टेंगल बनाएंगे बड़ा सा रेक्टेंगल में ज़ीरो यहाँ पर एक ज़ीरो सर्कल यहाँ पर एक सर्कल और उसके अंदर एक सर्कल और लाइंस फोर लाइंस वन टू थ्री फोर यहाँ पर एक सर्कल छोटा सा फोर लाइंस ओके नाउ सी यहाँ पर नीचे ऐसे करके यहाँ पर नॉब बनाएंगे ना ओपन और क्लोज के लिए सो नॉब दो बना दो और बीच में ऑन द मिडिल लाइन डालो और एक लाइन एंड क्लोज इट क्लोज लाइन करके देखो दिस इज योर गैस स्टोव सो स्टार्टिंग टैप बोल प्लेट टॉवल